ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की मौत के बाद से उसके चरमपंथी संगठनों की ओर से इसराइल पर हमले तेज हो गए हैं। लेबनान का हिजबुल्ला हो या हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर घात लगाकर बड़े हमले कर रहे हैं। हमास के हालिया हमलों ने एक बार फिर इजरायल के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। हमास के खात्मे का वादा कर जंग में कूदे इजरायली पीएम एक बार फिर गाजा के पुराने इलाकों पर ही युद्ध लड़ते दिख रहे हैं। एक बार फिर हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने बड़ा दावा कर इसराइल और उसके साथ ही अमेरिका को चौंकाया है। संगठन ने बताया कि हमास ने इसराइल की राजधानी तेल अविव पर एक बड़ा रॉकेट हमला किया है। ऐसे में इस अंदेशे को जोर मिलता है कि गाजा से धीरे धीरे इसराइल की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है, जो ये भी बताने के लिए काफी है कि गाजा में भड़की आग अभी भी धधक रही है। इसके फिलहाल थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जानकारी के मुताबिक जनवरी के बाद से गाजा की ओर से हमास ने कोई बड़ा हवाई हमला नहीं किया था, लेकिन सीजफायर की खत्म होती उम्मीदों और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जंग रोकने के आदेश के बाद हमास का हवाई हमला हैरान कर देने वाला है। हालांकि लंबी दूरी के रॉकेटों से इस हमले में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने भी हमास के लड़ाकों के हालिया बड़े धमाकों की पुष्टि की है। आईडीएफ ने बताया कि गाजा के दक्षिणी छोर राफा से करीब 8 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनमें से अधिकतर को रोक दिया गया है। गाजा के राफा में मध्य इसराइल की ओर से रॉकेट अटैक किया गया था। हरजलिया और पेटा टिकवा समेत कई इसराइली शहरों और कस्बों में भी हमलों को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया। बता दें कि रफा शहर इसराइल के तेल अविव से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि रायसी की मौत के बाद हमास का इजरायली सरजमी पर ये पहला हमला है। गाजा युद्ध के 7 महीने बीत जाने के बाद भी हमास के हमले करने की क्षमता ने इसराइल की चिंता को बढ़ा दिया है। हमास की तरफ से कहा गया कि उसने अपने नागरिकों के खिलाफ जायोनी नरसंहार के जवाब में तेल अविव पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। वहीं इसराइल का कहना है कि वो रफा में छिपी हमास की कई बटालियनों को जड़ से खत्म करना चाहता है, इलाके में बंधकों को छुड़ाना चाहता है। हालांकि उसके हमले से नागरिकों की हालत खराब हो गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया है। बता दें कि जवाबी हमले में इसराइल ने रफा में जबरदस्त बमबारी का उत्पात मचाया है। इसमें कम से कम 35 फिलिस्तीनी मारे जाने की खबर है। कई अन्य लोग जलते हुए मलबे में फंस गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।